शवरमा की जगह पे खड़े हैं, आवाज तो आएगी। स्ट्राइक तो हंगर स्ट्राइक के मोमो तंदूरी मोमो सब कभी ना कभी किसी ना किसी ने हमेशा खाए तो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्कुल इसे प्रोटेक्शन में लगा रखा है और आई डोंट थिंक कोई कस्टमर अलाउड भी उधर जाना, तो आई थिंक इट्स क्वाइट सेफ और काफी हेल्दी। और मैंने मास्क गलत तरीके से पहना हुआ, जिसमें 10 कमेंट जिसने वही आ जाएंगे, तो आई एम सॉरी, आई एम हंग्री नाउ, तो कुछ खाते हैं प्लीज। ओके गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जो मैं बाहर स्ट्रीट फूड खा रही हूँ आफ्टर द लॉकडाउन। वेरी इंटरेस्टिंगली मेरी पहली वीडियो थी वो भी इधर लाजपत नगर की ही थी। मैंने अमर कॉलोनी पे हज़ारों वीडियोज़ मार रखी हैं और मैंने एक नई जगह ढूंढ निकाली, एक्चुअली मैंने नहीं, सौरभ की बहन ने, बट वट एवर इट इज़, हम लोग ट्राई करके बन टिक्के। मुझे थोड़ा धक्धा हो रहा है, ठीक है ना, वैसे तो कुक फूड से नहीं होता कोरोना, बट स्टिल ईटिंग ऑन द रोड इज स्टिल अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम। मुझे याद है एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जब लॉकडाउन चल रहा था, कि जब रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त नहीं थी और लोग गोलगप्पे खा रहे थे मज़े में, और मैं कहती कितने पागल लोग हैं, मैं वो खुद करने जा रही हूँ, मुझे थोड़ा डर लगा है। पर जो भी अब हम खाते हैं बन टिक्की, ठीक है, और फॉर द लास्ट टाइम एवर, पर कुक्ड फूड से कोरोना नहीं होता, ये मैं अपने आप को समझा रही हूँ, अब बाकी आपकी मर्जी। तो हम अब ट्राई करते हैं, इट्स एन अमर कॉलोनी, कोई ऑब्वियसली शॉप का नाम नहीं, बिल्कुल मेरे पीछे है HDFC बैंक के बिल्कुल सामने है। सो भाई आप लॉकडाउन से पहले भी थे? मेरे को तो यहाँ 25 ईयर हो गए कम से कम। आपको क्या चेंज दिखा है लॉकडाउन के बाद, मतलब लोग आ रहे हैं वैसे भी? हाँ हाँ, धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले तो नहीं आ रहे। हाँ, आप दिल्ली के ही हैं? मैं यहीं का ही हूँ। तो नुकसान तो आपको भी खूब हुआ होगा ना? बहुत नुकसान हो गया मुझे तो। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है दिल्ली की या सेंट्रल कोई भी? नहीं, खाना हो तो थोड़ा सा बाहर जाके पीछे होके खा लेंगे। जी, जी, जी। आपने कब से लगाना शुरू करा लॉकडाउन के बाद से? जब अनलॉक शुरू हुआ था ना, उससे 2 दिन पहले ही लगाना, जब अनलॉक हुआ था ना। जी जी जी, तब से। अब गरम तेल में कैसे हाथ डाल रहे हैं, वो आदत पड़ी है। तो पता है मैं जो लोग देख रहे हैं उनको भी शुरू बोल रही कि वो गोल से ग्लव्स पहनने से मैंने स्पेसिफिकली मना करा, क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं सारे ग्लव्स, और अगर वो तेल के पास जाएंगे तो उनके हाथ में प्लास्टिक चिपक सकती है और वो बहुत इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए और उससे कैंसर भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये वाले कमेंट्स मत करिएगा, बिकॉज अंकल की हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और अगर आपके खाने प्लास्टिक होगा तो आप वो भी नहीं चाहोगे। एंड ही इज़ वेयरिंग अ मास्क एंड ही सैनिटाइजर्स हैंड्स, तो दैट इज़ परफेक्ट, राइट? ये सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ जी हाँ जी। बहुत रेस्टोरेंट जबरदस्ती पहना रहे हैं ग्लव्स, मुझे उनको देख के बहुत बुरा लगता है। दो प्लेट आ गई ना? चटनी कौन सी है? ये गुड़ वाली चटनी होती है। कौन सी? गुड़ गुड़ गुड़। वाह, मतलब केचप है? हाँ, केचप तो, केचप तो एक अलग चीज होती है ना। जी जी जी। ये इमली और गुड़ का मिक्स। अच्छा, मीठी चटनी हो रही है। मीठी चटनी। गुड़ की, वाह, ये पहली बार खा देख रहे हैं। आज कल आगे भी देखना। हाँ, कितने का है ये? ये है 50 का। 50 विद चीज।
तो आ गया मेरा बर्गर, ये बहुत वियर्ड लग रहा है ना, सॉरी, तो आ गई मेरी बन टिक्की, बहुत टाइम बाद में खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि स्ट्रीट फूड सबका लव होता है, पहला प्यार होता है, फूड ब्लॉगर बाद में बनते हैं, स्ट्रीट फूड लवर पहले बनते हैं। सो और दिल्ली का स्ट्रीट फूड यार, कम ऑन, तो ये प्रॉपर बन टिक्की है, वही हमारा देसी बन, उसके अंदर है खीरा, टमाटर, प्याज और एक आलू की टिक्की, और उन्होंने डाले चीज स्लाइस, और काफ़ी सही ब्रांड का भी यूज़ करा था, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट कूल। ऑसम जगह ढूंढी आपने, इसमें हरी मिर्च भी है तो बिल्कुल मेरे मुंह में आई है, जिससे मेरी जुबान काफ़ी जल रही है, पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, और आई थिंक प्राइस भी काफ़ी सही है, और मैंने इतने दिनों बाद ना स्पाइसी और चटपटा खाना खाया स्ट्रीट फूड, मेरी आंखें नम हो गई, मैं शायद रो दूँ, कितना अच्छा खाना है, ओ माई गॉड, सुपर स्पाइसी बहुत मिर्ची है, और जो बोला गुड़ की चटनी है, गुड़ और इमली की, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा सही है, हरी चटनी में बहुत तीखी है, तो अगर आपको से तीखा टॉलरेट नहीं होता तो वो मत डलवाना, पर मुझे तो बहुत मस्त लगा, और मुझे ना ऐसी स्पाइसी चीज़ें बड़ी पसंद आती है, जिसको मेरी हालत ख़राब हो जाए, पसीने निकल जाए, हाँ मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है तो मैं इसे ख़त्म करती हूँ, और हम लोग सब खा रहे हैं इधर, काफ़ी लोग हैं, और सब कार में ऑर्डर कर रहे हैं, बस मैं पागल हूँ जो बाहर खाना खा रही है, तो मैं भी अब कार में खाऊँगी बाहर। मैं मेरा घर भी नहीं जा पाई, और अब मैं आ गई हूँ चिलीज मेरी, क्योंकि कजन सिस्टर का बर्थडे है और वो ट्रीट दे रही है, सो आई एम हियर एंड विद दिस इट्स अ रैप, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आता है इसे बनाने में, सो या लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो सब्सक्राइब टू माय ब्रदर चैनल आहिल।